हेलो एंड वेलकम टू द लाइन लीडर सेक्शन ऑफ ऑल अबाउट सुगर इंडस्ट्री मैगजीन पब्लिश्ड बाय ईएक्सएलआर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड गुजरात। टुडे वी विल ऑनर टू इंट्रोड्यूस मिस्टर राकेश शर्मा सर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पीएस इंडस्ट्रीज मेरठ। सर, काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर व्यूअर्स। मैं राकेश शर्मा, नमस्कार, पीएस इंडस्ट्रीज का पार्टनर हूँ। हम लोग शुगर इंडस्ट्रीज के स्पेयर्स बनाते हैं, शुगर इंडस्ट्रीज का वैक्यूम फिल्टर, क्लैरिफायर और अदर एसेसरीज सब बनाते हैं, उसकी सप्लाई करते हैं, सर्विसिंग देते हैं। उसी के लिए पिछले 30 साल से फादर का दिया हुआ बिजनेस है, उसी को हम चला रहे हैं। सर, ये जो पीएस इंडस्ट्रीज है, इसको आपने कब इस्टेब्लिश किया था और इसको बनाने के पीछे क्या एम था सर आपका? मैंने नहीं इस्टेब्लिश किया मेरे भाई, ये कंपनी मेरे फादर की बनाई हुई है। वो उन्होंने बस थोड़ा छोटे लेवल पे बना रहे चल रहा था काम, उसको मैंने थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश की है, उसी के लिए थोड़ा मेहनत की है। उसी के लिए मैं महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में सब जगह विजिट करके और अपने बिजनेस को थोड़ा ग्रो किया है। सर, आप कौन कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज सुगर इंडस्ट्री को प्रोवाइड करते हैं? सर, सुगर इंडस्ट्रीज के लिए हम लोग वैक्यूम फिल्टर कंप्लीट सप्लाई करते हैं, उसकी रिकंडीशन करते हैं, उसके स्पेयर पार्ट्स देते हैं। इसी तरह से उसी के वैक्यूम फिल्टर के बाद में क्लैरिफायर रहता है शुगर इंडस्ट्रीज में, उसको पूरी एसेसरीज के साथ उसके स्पेयर पार्ट्स देते हैं, उसकी सर्विसिंग देते हैं। और स्प्रे पॉन्ड एक सिस्टम रहता है पूरा वाटर कूलिंग सिस्टम का, वो सप्लाई करते हैं, उसके स्पेयर पार्ट्स देते हैं। अभी रोटरी स्क्रीन्स रहती है मिल हाउस में, वो सप्लाई करते हैं। अभी हमने हाल ही में नया इंट्रोडक्शन किया है 32 माइक्रोन कोल्ड कंडीशन रॉ जूस फिल्टर सिस्टम, उसके ऊपर मेरा ज़्यादा कंसंट्रेशन है। तो वो अगर चलेगा तो सुगर इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। उससे ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी है शुगर इंडस्ट्री के लिए। जो शुगर इंडस्ट्री पिछले 100 साल से ट्रेडिशनल सिस्टम से बना रहे हैं, सब शुगर बना रहे हैं, मगर हमारा ये कोल्ड कंडीशन रॉ जूस फिल्ट्रेशन उसमें बहुत हेल्प करेगा। अभी तक जो भी कोई फिल्ट्रेशन होता है वो 500 माइक्रोन से लेके 350 माइक्रोन तक ही फिल्टर हो पाता है कोल्ड कंडीशन में, मगर हमारे फिल्टर को अगर कोई भी फिल्टर इस्तेमाल करेगा तो सेकंड स्टेज में सीधा 32 माइक्रोन फिल्ट्रेशन होगा, और जिसकी वजह से पूरा शुगर इंडस्ट्री का प्रोसेस एकदम चेंज हो जाएगा और शुगर इंडस्ट्रीज को लैक्स लैक्स रुपीस का बेनिफिट होगा। सर, ये जो नया इन्वेंशन आपने किया है वो किसी फैक्ट्री में सर आपने इंस्टॉल किया अभी? हाँ, ये हमने तमिलनाडु में धनलक्ष्मी श्रीनिवासन शुगर है वहाँ पे इंस्टॉल किया है। वहाँ 1800 TCD पे चल रहा है, जिसको नॉर्थ इंडिया के बलरामपुर ग्रुप वाले और साउथ इंडिया में रेणुका शुगर वाले, नॉर्थ में ही पंजाब से राणा शुगर वाले सब लोगों ने विजिट किया है और जाके देखा है उसको, सब ने एक्सेप्ट किया है कि भाई वाकई में ये अच्छी टेक्नोलॉजी है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसको इंस्टॉल करने के लिए और अदर कंपनीज में अभी नहीं हुआ है, मगर इस साल हो जाएगा, इस साल उम्मीद है अच्छा ऐसे इंस्टॉलमेंट आएगा इसको। अब ये क्या है, कोरोना की वजह से सब गड़बड़ हो गया, नहीं तो इस साल ही कुछ कंपनियों में आने के चांसेस थे इसके। सर, प्रायः देखते हैं कि इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स है वो कोई नया इन्वेंशन नहीं करते हैं, वो यूरोप से या अमेरिका से कोई इनोवेशन हुआ है तो उसे उस प्रोडक्ट को खरीद के यहाँ पे ला करके उसे बेच देते हैं। तो सर, आपके मन में कैसे ख्याल है कि कुछ नया इनोवेशन करना है और किस प्रकार आपने इसे इन्वेंट किया? सर, मेरे अंदर में एक है, मेरे मन में ये रहता है कि कुछ नया करने की, जैसा पुराना ट्रेडिशनल तो सब जगह चलता है, ट्रेडिशनल के पीछे नहीं दौड़ो, ट्रेडिशनल के पीछे दौड़ोगे तो क्या क्या कमाएंगे, कुछ नहीं कमाएंगे। इसलिए कुछ कमाना है तो कुछ हर बार कुछ आगे बढ़ने के लिए नया सोचो। तो इस करके शुगर इंडस्ट्रीज के सभी इंजीनियरों से और सभी केमिस्टों से प्रोसेस के ऊपर कभी कभी चर्चा होती रहती थी, तो उस कंडीशन में पता लगता था कि भाई शुगर बनाना इज नॉट ए ईजी, तो उसमें कहाँ प्रॉब्लम आती है, कहाँ क्यों ये इतना प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो उस प्रॉब्लम को हमने ऑब्जर्व किया कि इसको किस तरह से दूर किया जाएगा, और वो समझ करके एक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और बना करके उतारा, और भगवान की दुआओं से, आप सब लोगों की, भाइयों की कृपा से
अच्छे से सक्सेस होंगे। बाकी का अभी आने वाले टाइम में जैसे जैसे इसको और लगाएंगे इम्प्रूवमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर न्यू इनोवेशन सर, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपका ये इनोवेशन और आपके जो इंजीनियर्स की मेहनत है वो सक्सेसफुल हो सर। थैंक यू वेरी मच सर। सर आफ्टर सेल सर्विसेज कितना महत्वपूर्ण होता है सर? बहुत बड़ा पार्ट है सर। अगर सेल्स करना तो वेरी इजी, कोई भी आदमी ऑर्डर लेकर के सेल्स कर सकता है इधर उधर से अरेंज करके, मगर सर्विस आप अगर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपका कस्टमर कभी जीवन में आपसे सेटिस्फाई नहीं होगा। आपको अगर कस्टमर को सेटिस्फाई करना है तो उसके लिए सर्विस पे विशेष ध्यान होना ही चाहिए, और मैं उस चीज को पहले मानता हूँ। मेरे को एक रुपया बचे या ना बचे, मगर मैंने किसी से ऑर्डर लिया है तो उसको पूरी तरह से सेटिस्फाई करने की ही मेरी अपनी अंदरूनी चेष्टा रहती है हर तरह से, चाहे उसमें कितना भी घाटा होने दो चाहे कितना भी फायदा होने दो। सर ऑन टाइम प्रोडक्ट डिलीवरी कितना इम्पोर्टेंट है सर? दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप टाइम से डिलीवरी करेंगे देन कोई भी काम को टाइमली किया जा सकता है। टाइमली करेंगे तो सभी काम सक्सेसफुल रास्ते में जाएंगे, अदरवाइज कहीं भी डिले करोगे तो डिले ही है ना। हर जगह आप डिले करने की कोशिश करेंगे तो फिर बिजनेस में आप सर्वाइव नहीं करेंगे। कुछ समय के लिए सर्वाइव करेंगे, मगर परमानेंट अगर सर्वाइव करना है तो आपको ऑन टाइम डिलीवरी सेल्स एंड सर्विस और अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट, इन सभी पे आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, सेकंड सेल्स एंड सर्विस, थर्ड ऑन टाइम डिलीवरी, ये तीन चीजें आप बिजनेस में महत्वपूर्ण है। इन तीनों चीजों, ये तीन बिंदु है एक तरीके से, बिंदु नहीं, ये आप अपना गोल बना के चलेंगे देन बिजनेस आप गेन करते चले जाएंगे। सर कुछ शुगर फैक्ट्रीज के नाम बताएंगे जहाँ पे आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज यूज होते हैं सर? हाँ, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, आपका महाराष्ट्र में वारना शुगर फैक्ट्री में है, आपका घोड़ गंगा शुगर फैक्ट्री में है, विगनार शुगर फैक्ट्री में मेरे प्रोडक्ट लगे हुए हैं, और आपका तमिलनाडु में EID पेरी ग्रुप है, शक्ति शुगर ग्रुप है, राजश्री ग्रुप है, सभी में मेरा प्रोडक्ट लगे हुए हैं और उनकी सेल्स एंड सर्विस वर्क में कर रहा हूँ, अच्छे से चल रहा है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में जब जितनी भी कोऑपरेटिव फैक्ट्री थी सभी में मेरा थोड़ा 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 काम चलता था। अब तो खैर फैक्ट्री वहाँ ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे हैं, क्योंकि केन का प्रॉब्लम है वहाँ पे, सभी जगह से शुगर इंडस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म है आंध्र में। अब तेलंगाना में भी काम चल रहा है, गणपति शुगर है। एक बार किसी ने मेरे को काम दिया तो ऐसा कभी नहीं होता कि वहां से सेकंड टाइम मेरे को ऑर्डर ना मिले, सेकंड थर्ड फोर्थ कंटिन्यू ऑर्डर मिलेगा ही मिलेगा। ये मेरी, चाहे वो सेल्स सर्विस कह सकते हैं आप, चाहे मेरी क्वालिटी को प्रोडक्ट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देखें। पर अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है, एक बार ऑर्डर लेके मैं कभी भी किसी फैक्ट्री से वापस नहीं आया हूं। वन टाइम ऑर्डर लिया और खत्म, वो वैसा नहीं, हमेशा एक बार ऑर्डर लिया तो आपको दो बार तीन बार के ऑर्डर, रिपीट ऑर्डर कॉपी मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो तमिलनाडु के रहने दो, वो कर्नाटक के रहने दो, वो आंध्र प्रदेश के रहने दो, गुजरात के रहने दो, महाराष्ट्र के, किसी भी फैक्ट्री का, एनी XYZ जिस फैक्ट्री में मैंने काम किया है, मोर देन, ज़्यादा भी नहीं तो 50 फैक्ट्रियों में तो मैंने काम किया ही है। उन 50 फैक्ट्री के, चाहे वो मेरे 10 लाख के ही ऑर्डर होने दो, मगर वो 10 लाख के भी रिपीट ऑर्डर्स हैं। सर आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसके परफॉर्मेंस का फीडबैक लेते हैं सर क्या? फीडबैक तो लेते हैं, मगर फीडबैक का ही रिजल्ट है ना जो हमें रिपीट ऑर्डर देते हैं। अगर फीडबैक अच्छा नहीं होगा तो आप एक बार तो लकड़ी की हंडी से आप काम कर जाओगे, मगर दूसरी बार आप बिजनेस नहीं गेन करोगे वहां से। आपको अगर हमेशा बिजनेस कंटिन्यू हर फैक्ट्री से लेना है तो आपको अपने प्रोडक्ट अच्छे रखने ही पड़ेंगे, और जब प्रोडक्ट अच्छे होंगे तो नेचुरल है आपको सेकंड टाइम बिजनेस मिलेगा। आपने टाइमली डिलीवरी करो, फीडबैक सेल्स एंड सर्विस अच्छे से दो और क्वालिटी प्रोडक्ट रखो तो ऑटोमेटिकली आपको बिजनेस आएगा ही आएगा। सर आपके पिताजी ने कुछ ऐसा सिखाया हो जो अभी भी आपको जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं लेने के लाइफ में उस पे आप उनके पद चिन्हों पे चल के, उनके सिखाए हुए चीजों पे चल के आप डिसीजन लेते हो, ऐसा कुछ सर?
उनके पद चिन्हों पर चले हुए की वजह से ही मैं रिस्क लेने में बहुत मास्टर हो गया हूँ। मैं रिस्क लेने में बिल्कुल नहीं घबराता, जबकि जैसा छोटा सा बिजनेस है उस हिसाब से रिस्क नहीं लेता कोई भी जल्दी से। और जैसे अभी मैं बताया आपको, इन्वेंशन जो नया इन्वेंशन है, इन्वेंशन करना इतना आसान नहीं होता। इन्वेंशन करवाने में, उसमें खर्चा करने में, वो आसान काम नहीं है। सब चीज़ों के ऊपर में बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है। पर मैं नहीं सोचता, मैं तो जब कदम आगे बढ़ा दिया तो जो होगा देखा जाएगा, प्रभु सब अच्छा करेंगे। सर, माता पिता का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़े लिखे हो, वो हमेशा हमारे मदद करते हैं, हमारा सहायता करते रहते हैं। तो सर, आपकी माता ने कुछ ऐसा आपको सिखाया हो जो आपको मुश्किल समय में, मुश्किल घड़ी में आपके साथ आपको काम देता है, आज भी आपको सहायता करता है, वो चीज़ ऐसा कुछ सिखाया आपकी माता ने? माता जी ने, पिताजी ने बहुत कुछ सिखाया है, और बहुत काबिल थे, बहुत नेचर वाइज बहुत अच्छे आदमी थे, देव तुल्य आदमी मेरे फादर थे, मेरी मदर भी थी। तो रियल में वो, उनके बारे में क्या ज़्यादा कहा जाए, जितना कहा जाए उतना कम है। बहुत ही कुछ उन्होंने सिखाया, उन्हीं के सिखाए पद चिन्हों पर चलने की हम कोशिश कर रहे हैं, अगर चल पाए तो देन जीवन में कुछ अचीव कर पाएंगे। सर, आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि आपका बिजी शेड्यूल होता होगा लाइफ में, इतना सारे काम है, थोड़ा बिजी होते हैं, सर कैसे टाइम का मैनेज करते हैं अपने? वो तो करना पड़ता है भाई, वो तो उसमें कुछ ये नहीं, उसे तो करना ही पड़ेगा। अगर आप टाइम मैनेज नहीं करेंगे तो फिर बिजनेस नहीं करेंगे, फिर वही नौकरी कर लो ज़्यादा बेहतर है। और नौकरी करोगे तब भी तो आपको टाइम देना पड़ेगा, तो बिजनेस में तो आप राजा हो अपने, हैं उसमें, और थोड़ा सही से टाइम दोगे तो और अच्छे कहलाओगे ना। नौकरी में कहीं भी आप जाएंगे तो आपको नौ काम करने ही पड़ेंगे ना। तो मैं समझता हूँ कि बिजनेस को करने का बेहतर चीज़ है, और मैं बिजनेस ही करना पसंद करता हूँ। सर, स्ट्रेस एक वर्ड है, तो सर हो सकता है शायद आप भी कभी स्ट्रेस में आते हो, तो सर आप स्ट्रेस को अपने कैसे मैनेज करते हैं? सर, ये प्रभु जो बैठे हैं ये सब मैनेज करा देते हैं। स्ट्रेस तो होता है, बिजनेस है तो कभी स्ट्रेस भी होता है, कभी खुशी भी रहती है हर समय आदमी के, पर सब मैनेज हो जाता है। आप भी जानते हैं कैसे मैनेज कर रहा है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। सर, लीडरशिप एक वर्ड है, उसको सर आप कैसे डिफाइन करेंगे, और आप अपने जो स्टाफ है, अपने जो को वर्कर्स हैं, उसमें सर लीडरशिप को कैसे मेंटेन करते हैं? सर, जो स्टाफ की लीडरशिप में तो यह है, जो सीनियर है वो अलग ही दिखाई देता है, टेक्निकली जो स्ट्रॉन्ग रहेगा तो नेचुरल है, उसको लीडर अपने आप ही बन जाता है। आप किसी को भी अनाड़ी को लीडर बनाने की कोशिश करेंगे तो लीडर नहीं काम करेगा, लीडर वही काम करेगा जो जीरो से लेके एंड तक फैक्ट्री के बारे में कुछ जानकारी रखता होगा, और वो फैक्ट्री की सही स्टोर से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक हर चीज़ की उसको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है और कौन सी चीज़ को कहाँ लगाना है, किस चीज़ से कहाँ कारोबार को सही किया जा सकता है कम टाइम में, अच्छा काम करने के लिए जो करवा सकता है, कम पैसे में मैन्युफैक्चरिंग कराने के लिए मैन्युफैक्चरिंग में किधर बचत करा सकता है, वही लीडरशिप का मेन माना जाएगा उसको। सर, कौन कौन से गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंजेस आने चाहिए जिससे कि शुगर फैक्ट्री के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको मदद मिले? सर, शुगर फैक्ट्री के गवर्नमेंट पॉलिसी में तो यही है कि शुगर के प्राइस वगैरह, अगर किसान शुगर का प्राइस अच्छा मिलेगा तो शुगर फैक्ट्री कुछ भी नया इन्वेंशन कराने में, नया चीज़ लगवाने में थोड़ा हेल्प मिलती है उनको। और अदरवाइज तो सब शुगर फैक्ट्री सबका ये की रहता है कि नहीं शुगर फैक्ट्री में प्रॉफिट नहीं, उस कंडीशन में आप अगर गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा उनको शुगर का प्राइस अच्छा मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी शुगर फैक्ट्री को थैंक यू बोलना चाहेंगे सर, जिन्होंने आपको टेक्निकली और सब टेक्निकली सपोर्ट किया हो आपको, ऐसा कोई? नहीं, मुझे वारना से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, वारना शुगर फैक्ट्री के एमडी मिस्टर चौहान साहब ने बहुत सपोर्ट किया, और आपका विश्वास राव नाइक के चेयरमैन साहब ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया सांगली में, और भी बहुत सारी फैक्ट्री हैं महाराष्ट्र में जिन्होंने मेरे को काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया। तमिलनाडु से ईआईडी पेरी ग्रुप से
मेरे को काफी अच्छा सपोर्ट मिला वहाँ, मेरे मतलब हायर लेवल पे तो नहीं मगर एज ए केमिस्ट एज ए इंजीनियरों के लेवल से ही मेरे काम चलते रहे, और वहाँ मेरी एक वर्कमैनशिप से ही वो लोग इतने खुश थे कि मेरे को आज तक कंटिन्यू रिपीट ऑर्डर्स आते रहते। सर क्वालिटी प्रोडक्ट देने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं सर, क्योंकि शुगर फैक्ट्री में जो प्रॉफिट है वो बहुत कम है। प्रॉफिट तो कम है मगर क्वालिटी प्रोडक्ट देना है तो शुगर फैक्ट्री को भी अपना प्राइस देना ही पड़ता है। अगर हम बिजनेस करते कंपटीशन वाला बिजनेस भी करना पड़ता है, पर मैं कंपटीशन के पे इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, मैं अपनी क्वालिटी पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। क्वालिटी अगर मेरी अच्छी होगी तो उसके लिए सामने वाले को थोड़ा तो पे करना पड़ेगा, और वो करते हैं उससे। क्वालिटी में मेरे यहाँ से कोई कंप्रोमाइज नहीं मिलता, जिसको भी मैंने आज तक मटेरियल दिया उसने मेरे को वापस रिपीट ऑर्डर्स दिए। हाँ आपके ये सभी इंडस्ट्री में देखने को मिलती है ऑल अबाउट शुगर इंडस्ट्री, कई मेरे मित्रगण हैं जिनके साथ में अभी जैसे ये पीआर पाटिल साहब हैं और ये बलसर साहब हैं, इन सबके साथ में आपने ये किया हुआ, सभी लोग मेरे को पहचानते हैं। सब आपकी बुक हर जगह देखने को मिलती है, ऑलमोस्ट सभी शुगर इंडस्ट्रीज में बड़े टेबल पे जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ ये आपकी बुक देखने को मिलती है। जितनी अदर बुक्स भी मिलती है मगर ये बुक स्पेशली दिखाई देती है। सर आप लोगों का आशीर्वाद है। हाँ कोई होना ही चाहिए, हम तो यही है दुआएं करेंगे कि आपकी ये बुक अच्छे से अच्छे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, पहले शुगर इंडस्ट्री में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड की शुगर इंडस्ट्री में अदर इंडस्ट्री में भी आप इसको लेके चले तो अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। कुछ और जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स के साथ में? सर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान तो बहुत है, फ्यूचर प्लान में तो जीवन में बहुत कुछ करना बाकी है, उसी लिए मैं ये सब अपनी कैपेसिटी से बड़े बड़े कामों में हाथ डाला हुआ हूँ। जो ये मैं ये नया इन्वेंशन है मेरा, वही मेरे फ्यूचर प्लान का मेन मोटिव है, वही उसी के लिए चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरे लिए दुआ करो कि ये सब चले। तो देखो जीवन में मेरे को बहुत कुछ अच्छा करके जाने की इच्छा है। सर आप अपनी छुट्टियाँ कैसे बिताते हैं? सर आज तक तो कभी ऐसा विशेष नहीं, मगर कभी कभी मन कर जाता है तो कभी यात्रा पर चले जाते हैं, वैष्णो देवी चले गए या कहीं टूर का टूर हो जाता है, बिजनेस टूर भी हो जाता है, और उसमें इस तरह से हैदराबाद चले गए या कहीं चले गए, इस तरह का प्रोग्राम मैनेज कर लेते हैं। पुणे में ऑफिस है, वहीं पुणे में फैमिली को ले गए, वहाँ इंजॉय हो गए, उन बच्चों का घूमना फिरना हो जाता है और हमारा छुट्टियाँ व्यतीत हो जाती है, अपना बिजनेस भी कंटिन्यू रहता है और उन लोगों के लिए इंजॉय भी हो जाता है। सर आप अपनी धर्मपत्नी को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया? बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, उनका सपोर्ट ना होता तो इतना ही, उनका बहुत मेरे जीवन में सपोर्ट है और उन्होंने काफ़ी हद तक मेरे को फ्री रखा कि भी जैसे आज शादी होने के बाद से ही दो दो महीने एक एक महीना डेढ़ डेढ़ महीना में यात्रा पर रहता था, टूर पर रहता था, और कोई दूसरी लेडीज हो तो जान निकालने हो तो कि नहीं घर में बैठो चाहे कुछ भी करो यही करो, तो ऐसा नहीं। हम लोगों ने बहुत उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ में, मैंने काफ़ी हद तक उनके सेक्रीफाइस से सर्वाइव करने की कोशिश की है। सर कोई एक ऐसी घटना, कोई ऐसा इंसिडेंट जो ये साबित करता है कि आपके लिए कि मेरे माता पिता जो हैं वही मेरे भगवान है, दूसरा और कोई मेरा भगवान नहीं, ऐसा कोई इंसिडेंट? सर ऐसा तो विशेष तो कुछ याद नहीं आ रहा, पर हाँ माता पिता का रोल तो जीवन में बहुत बड़ा है, उनके उन्होंने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ उनके वजह से मैं हूँ और जो भी कुछ कर रहा हूँ मैं उन्हीं, मेरा जो टारगेट समझो या मेरा कुछ भी समझो वो मेरा मन में यही है कि उनका नाम रोशन करना ही मेरा टारगेट है जीवन में, उसके लिए ही मैं ये सब कोशिश करके काम को बड़ा करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। सर यंग लोग जो कि शुगर मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी में आना चाहते हैं, सर उनके लिए आपका क्या मैसेज है? सर उनके लिए भैया यही है कि क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें, कंपटीशन का जमाना है, अपना टाइमली सप्लाई करने का, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने का और कम से कम कॉस्ट में वो प्रोडक्ट बन जाए उसके ऊपर विशेष ध्यान दें,
तो आप सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं तो आने वाला जो टाइम है उसमें सर्वाइव करने के लिए बहुत दिक्कत वाली बातें हैं।